शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे यार अभय, मुझे तो बहुत नर्वसनेस हो रही है यार। अगर उसकी मम्मी या पापा ने दरवाजा खोला तो क्या होगा? मैंने कोई कच्चे काम नहीं करता, मैंने अपनी मम्मी से पहले पता करवा लिया था। उसके मम्मी पापा और बबलू सब शॉपिंग पे गए हैं, घर पे दोनों बहनें अकेली हैं। थैंक्स बड़ी, अब तू जल्दी से जाके श्रद्धा को संभाल ताकि मैं कीर्ति से बात कर पाऊँ। चल मेरे सिग्नल का वेट कर। हाँ अब देखो अभी का जादू। हाय, आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब है सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। वो एक्चुअली आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। दो मिनट आइए ना बाहर। क्या? नहीं मतलब सिर्फ दो मिनट की बात करनी है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। प्लीज आइए ना बाहर। बैठिए। नहीं नहीं आपको कुछ जरूरी बात करनी थी तो बताइए। हाँ वो बस एक मिनट। हाँ दूसरे के घर की घंटी बजाते रहते। अरे दीदी कहाँ चली गई? दीदी ओ कौन है? अरे इतनी जोर से क्यों घंटी बजा रहे हो? आई रहे, दरवाजा तोड़ोगे क्या? दीदी कहाँ चली गई? क्या आप यहाँ? दीदी घर पे नहीं है शायद। क्यों, मैं ऐसे ही नहीं आ सकता? नहीं नहीं वो बिल्कुल आ सकते हैं, मम्मी होती तो कहती आप ही का घर है। वैसे आप बाहर क्या कर रहे हैं? अंदर आइए ना जी। वो दीदी नहीं है अभी तो, यही थी, कहाँ चली गई? हम एक काम करते हैं, हम उनको ढूंढ के बुला कर लाते हैं, ठीक है? आप दो मिनट। नहीं नहीं एक मिनट, डोंट माइंड बट हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हमसे? आप ओके बोलिए। आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी दो मिनट के लिए। पांच मिनट से ज्यादा हो गए हैं, आपने एक शब्द नहीं कहा है। वो मैं कह रहा था कि लेट मी गेस, आप हमसे दीदी के बारे में पूछने आए हैं ना? है ना? आप दोनों की ज्यादा बात नहीं हुई ना, आप हमसे सब कुछ पूछ सकते हैं। हमें दीदी के बारे में सब पता है, वो कब हंसती है कब रोती है सब पता है। आप थोड़ा जल्दी पूछिए वरना हम खुद ही बोल देंगे। मम्मी कहती कि हम कितना बोलते हैं और क्यों इतना बोलते हैं। नहीं नहीं आप तो बहुत प्यारी बातें करते हैं। अभी से होने वाली साली की तारीफ। हाँ अब तो हम आपको सब कुछ बताएंगे कि दीदी किस बात पे हंसती है, किस बात पे रोती है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या पसंद। क्या हुआ है? सब ठीक है ना? ये तो इसका स्टाइल लग रहा है, पहले खुद गलती करो और फिर दूसरों को डाल दो। सही है बेटा, कर ले ट्राई। सॉरी आपने फिर से कुछ कहा क्या? सॉरी वही तो सॉरी
सॉरी कहने आया था आपसे। वो उस दिन आप पे कीचड़ उड़ गया था ना। वैसे मैं ऐसा करता नहीं हूँ, पता नहीं उस दिन क्या हो गया। ये क्या बात कर रहे हैं आप, मैं उस बात को कब का भूल चुकी हूँ। मुझे गिरा के मेरा इंटरव्यू कैंसिल करके मैडम बात भी भूल गई। अरे ये वरुण क्यों नहीं आ रहा है, उसको बचाने के चक्कर में मैं यहाँ फंस गया हूँ। आपने फिर से कुछ कहा क्या? पहले ही चिंगम की तरह काफी खींच चुका हूँ बात, अब क्या बोलूं? कीर्ति, मैं एक्चुअली आपको कुछ बोलने के लिए आया। हाँ बोलिए ना, क्या बोलना है? कीर्ति, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा अजीब है, पर सच बताऊं तो मैंने जब से आपको देखा है ना, तब से मेरे दिमाग में कुछ और चल ही नहीं रहे, बस आपका ही चेहरा, आपकी बातें, वही सब घूम रहा है। देखिए मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, अगर ये मजाक है ना तो बहुत ही भद्दा और घटिया मजाक है। अभी घर पे कोई नहीं है, आप प्लीज यहां से जाइए। एक मिनट रुको, अगर मुझे पता होता कि होने वाली साली इतनी स्मार्ट है कि फट से पकड़ लेगी तो हम ये बौड़ा मजाक करते ही नहीं। मजाक? मतलब ये मजाक था? और नहीं तो क्या? अरे जीजा साली के मजाकों पे तो लोगों ने किताबें लिख दी हैं। मेरी तो एक छोटी सी कोशिश थी और वो भी फ्लॉप हो गई। पर आप यहाँ आए क्यों क्यों थे? वो मैं एक्चुअली वो क्या है ना कि उस दिन मैं श्रद्धा से ठीक से बात ही नहीं कर पाया, तो बस ये जानना चाहता था कि वो इस रिश्ते से खुश है या नहीं। हाँ खुशी है, तभी तो हाँ बोला। वैसे आप खुश हैं? मैं चलता हूँ एंड फिर से आई एम रियली रियली सॉरी, आप इतनी खुश थी और मैंने आपको अचानक इतना सीरियस कर दिया। I'm really, really sorry. Huh? किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।